बदलते मौसम में बहुत लोगों की आजकल हो रही है तबीयत खराब। फीवर, कफ, कोल्ड ने किया हुआ है परेशान, तो इसका मतलब यही है कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत डाउन है। तो आइए बात करते हैं, मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आज आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 5 से 6 चीज़ें हम लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और ये घर की ही वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये गरम मसाला, जो कि पुरानी से पुरानी चला आ रहा है। तो गरम मसाला जिसमें कि आप घर के गरम मसालों को उठाइए, बड़ी इलायची, पीपल, सौंठ, जिसमें छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, लौंग, इन सब मसालों को, दालचीनी, तो इन सब मसालों से हमारी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है। और पहले के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, क्योंकि वो घर का बना हुआ गरम मसाला लेते थे। और आजकल की रेट में क्या हो गया है, जो गरम मसाला आता है वो बाहर से खरीद के लाते हैं, और उसमें कितनी चीज़ें होती हैं कितनी नहीं, उसमें टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं आपको पता भी नहीं है। तो ये जो घर का गरम मसाला है बहुत टेस्टी बनता है, दादी नानी सबको पता है इसकी रेसिपी। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं पता उनसे पूछिए कैसे बनानी है। बट ये गरम मसाले को लेके आप इसको ज़रूर अपना घर में बनाइए। इस तरीके से इन सब मसालों को भून के पीस लीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। और इस गरम मसाले को आप अपनी हर सब्जी में डालना स्टार्ट कीजिए। तो पूरे दिन में अगर ये आपकी डाइट में आधा चम्मच भी चला जाता है तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। तो आज से ही जो मार्केट से आप बाहर के गरम मसाले खरीद के लाते हैं उनको बंद कीजिए, और ये घर के गरम मसालों को आप बनाना स्टार्ट कीजिए, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, कफ, कोल्ड, इन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर कर देगा। नंबर सेकंड पे आते हैं कि आजकल अगर वीगन देखा है कि बहुत लोग वेजिटेरियन है, तो वो लोग, उनकी बॉडी में क्या होता है, डेफिशिएंसीज हो जाती है प्रोटीन्स की, तो उसको फुलफिल करने के लिए पनीर खा लेते हैं। बट आजकल पनीर भी जो है वो भी नकली आ रहा है। तो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन्स को फुलफिल करने के लिए चना सत्तू। तो चना सत्तू जो कि फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, मैग्नीशियम रिच है, मैंगनीज इसके अंदर है, कैल्शियम है, आयरन है, तो ऐसे ही भरपूर मात्राओं में इसमें ट्रेस मिनरल्स एंड वाइटामिन्स प्रेजेंट हैं। तो इसको भी आप लीजिए, ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फाइबर रिच होता है, ये जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं ये उसको निकालता है। तो इम्यूनिटी कब डाउन होती है, जब आपकी बॉडी में पॉल्यूशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या उल्टा सीधा खाना खाने से टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं। तो एक तरीके से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। तो इसको लेना कैसे है, आपने सत्तू का ड्रिंक बनाना है, बहुत ईजी है, सिंपल, ना भूनना ना कुछ करना। एक ग्लास पानी में आपने 2-3 चम्मच सत्तू का पाउडर लेना है, टेबलस्पून, और उसको घोलना है। उसके अंदर अगर आपने नींबू डालना है, जीरा डालना है, चाट मसाला, काला नमक डाल के मिक्स करके इसको पी लीजिए। बहुत ही टेस्टी ड्रिंक जो है रेडी हो जाएगा। अब आते हैं, अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो पेट से हमारी इम्यूनिटी होती है। गट, हमारा गट कैसा है, तो हमारा जो गट है वो बहुत सही होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। आजकल लोगों को बहुत एसिडिटी है, गैस है, जिस वजह से ही उनका गट बहुत वीक हो जाता है और इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाती है। तो गट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, बाहर की दही खाते हैं। तो अगर आप अभी भी दही खा रहे हैं तो आप घर की दही खाइए, घर पर दही जमाइए, और इसको फ्रिज में ना रख के फ्रेश फ्रेश खा लीजिए। मतलब आपने मॉर्निंग में जमाई और दिन में इस दही को खा लिया, और जब आप जमाते हैं, इसमें जमाते वक्त 2-3 किशमिश डाल दीजिए, जो मैंने पहले भी बताया था, उससे इसका गुड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो गट है वो एक गुड बैक्टीरिया से फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें खाने के साथ ना लें, खाने से 15-20 मिनट पहले आप दही खा लें और उसमें थोड़ी सी खांड मिला के खा लें, तो ये और आपके गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज कर देगा और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। नंबर 4th पे आता है सीड्स। तो ये तो मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स रखे हुए हैं, बट आप वैरायटी ऑफ सीड्स लीजिए जो कि आपकी बॉडी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को फुलफिल करेंगे, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, हार्ट हेल्थ बनी रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। तो सीड्स को सोक करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप ऐसे ही लेते तो अनरोस्टेड फॉर्म में लें। और कोशिश करें जो इवनिंग का स्नैक है वहाँ पर आप अपने सीड्स और नट्स सबको इंक्लूड करके एक मुट्ठी तक खा लें, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं जो सबसे ही ज़्यादा रामबाण है इम्यूनिटी के लिए, जो एंटीऑक्सीडेंट है, विच इज़ विटामिन सी। तो ये विटामिन सी रिच फूड इंट्रोड्यूस करें।
तो ये तो है मौसमी, सीजन की है, सीजन में आ रही है, तो कोशिश करें इसका जूस नहीं पीना है। दो मौसमी तक आप खाएं, डेली खाएं। अगर आप अनार खाते हैं तो मौसमी के साथ खाएं। तो जो भी विटामिन सी रिच है, आंवला है, मौसमी है, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कीवी, इन सबको, जितने भी सिट्रस फूड हैं, इन सबको इंक्लूड करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है नारियल का तेल। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल है जिसे आपने इंक्लूड करना है। इससे आपका बेसिकली मॉर्निंग में आपने खाली पेट पीना है, तो एक तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, और इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स होते हैं, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है, लिवर की क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो खाली पेट आपने नारियल की जो तेल को 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून तक आपने लेना है। पहले तो आप इससे थोड़ा सा मुंह में, कहते हैं ना ऑयल पुलिंग टेक्निक जो पहले के लोग करते थे, तो पहले तो 1 चम्मच आपने मुंह में डाल के, बड़ा टेबलस्पून माउथ में डाल के स्विशिंग करनी है, मतलब इस तरीके से। तो 15 से 20 मिनट तक करेंगे, इससे आपके पूरे जो टॉक्सिन्स होंगे रात के वो खींचे चले आएंगे, उसको आप थ्रो कर देंगे। फिर उसके बाद तेल दोबारा से इसको पीना है, तो इससे एक तो डिटॉक्सिफाई होगा, और दूसरा जब आप पीते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म पे, थायराइड पे वर्क करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। तो हाँ जी, जो एक डाइट को भी बहुत अच्छा रखना है, वेल बैलेंस रखना है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों से आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, एक हेल्दी डाइट करनी है, उसके साथ साथ इन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करें जिससे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, और कफ, कोल्ड, फीवर, ये सारी चीज़ें आपसे दूर रहें। नमस्ते, मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ।